ऑल एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ इस वीक AITS 2 के लिए, जो कि इस संडे को है, 12 February को है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो दोनों है, जो केमिस्ट्री और ये जो है बायो, ये मेरा सुबह का रोज़ का साथी हो गया है। तो मैं अपना दिन इन दोनों से ही शुरू करती हूँ। कुछ भी करने से पहले एक चैप्टर में इनऑर्गेनिक और एक चैप्टर में बायो का पढ़ती हूँ, फिर मैं जो टारगेट होता है वो मैं स्टार्ट करती हूँ दिन का। तो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ बायो, बायो के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे टेस्ट में भी है, तो मैं यही पढ़ने वाली हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो फुल ख़त्म हो गया है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह उठकर हर रोज़ एक चैप्टर इनऑर्गेनिक के और एक बायो का चैप्टर मैं रिवीजन करूँगी, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। और यहाँ पर मेरा बायो ख़त्म हो गया है, अभी मैं करूँगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं इस ब्लॉक पढ़ूँगी। इस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, तो मैं आज ग्रुप 1 पढ़ूँगी, कल मैं ग्रुप 2 पढ़ूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं रिवीजन दे रही हूँ। और मेरे जो एलएन में अभी यूनिट टेस्ट ख़त्म हो गया है, अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं एलएन के लिए जो प्रिपरेशन है वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं फुल 11 रिवाइज दे रही हूँ, ताकि मैं एक फुल 11 मॉक टेस्ट दे सकूँ। और यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया है, इसके बाद मैं एक ब्रेक लूँगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है। और ये है मेरे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं करूँगी फिज़िक्स। तो आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्क पावर एनर्जी के PYQ, 35 years के PYQ मैं अभी सॉल्व करने वाली हूँ, तो चलो करते हैं। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि मैं 11 रिवीजन दे रही हूँ, तो 26th March को AITS मतलब PW में AITS के फुल 11 मॉक टेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पहले ही एक फुल 11 मॉक दे दूँ कहीं से, तो प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा। और अभी मेरा जो फिज़िक्स है वो कंप्लीट हो गया है, और टाइम हो रहा है, देखो 1 बज रहे हैं, तो मैं अभी जाऊँगी नहाने, फिर मैं लंच करूँगी, फिर मैं आके जो हमारा चैलेंज है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैलेंज है फिज़िकल केमिस्ट्री रिवीजन का, वो तो आज मोल कंसेप्ट है, तो वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सेकेंड स्टेप कर रही थी, ये मैं फॉर्मूलास लिख रही थी, तभी मैं पानी पीने के लिए उठी और देखा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होके पड़ा है, क्योंकि मैंने जो चार्जर है उसका स्विच ही ऑन नहीं किया था, तो वो स्विच ऑफ हो गया। और यहीं से शुरू करते हैं फिर से। और यहाँ पर मेरा तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया है, मैंने नोट्स रिवीजन कर लिया है, फिर मैंने फार्मूलाज को भी लिख लिया है। एक्चुअली मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं थे, तो मैंने फार्मूला लिख लिया, तो मेरे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गए। उसके बाद मैंने NCERT का क्वेश्चन किया, और अभी मैं फोर्थ स्टेप करने वाली हूँ, जो कि है PYQ। तो PYQ ना मैं एक ऐप से करती हूँ, 35 years जो नीट के है वो उस ऐप से करती हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सच में वही ऐप से करती हूँ। उसमें 1995 से 2022 तक है, तो मैं वही से करती हूँ। PYQ भी ख़त्म हो गया है, मेरा चैलेंज जो था वो आज का कंप्लीट हो गया है, और अभी 5:05 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स NCERT से, क्योंकि NCERT के जो इंडेक्स्ड क्वेश्चंस है और जो बैक एक्सरसाइज है वो मैंने नहीं किया है, वो मैं अभी करूँगी। वैसे तो AITS के लिए केमिस्ट्री मेरा रिवीजन देना हो गया है, NCERT रीड करना बाकी रह गया था, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक फॉर AITS 2 एंड टेक केयर, गुड बाय।